अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास टू की इंग्लिश लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक से रीडिंग करेंगे। तो हम करेंगे यूनिट नंबर 12 करेंगे। तो उसके लिए हमें पेज नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जी। चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर क्या लें, 12 है, पेज नंबर 120 है। टाइटल का नाम है द पाइड पाइपर ऑफ हैमिलिन। हैमिलिन एक जगह का नाम है, टाउन है जर्मनी के अंदर। पाइड पाइपर से मुराद है कि देखें, जब आप अक्सर का शादी ब्याह के ऊपर देखते हैं ना, फौजी बैंड्स होते हैं, उन्होंने दो रंग, दो या मुख्तलिफ रंगों के कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उनके पास पाइड पाइपर होता है, यानी को जो बजाते हैं वो बांसुरी टाइप जो बैंड होते हैं मुख्तलिफ तरह के, तो उनको पाइड पाइपर यानी कि जो रंग बिरंगी कपड़े पहने होते हैं ना पाइड पाइपर्स ने, तो वो है। लिहाजा ये एक कहानी है, आप समझ लें कि पाइड पाइपर्स की जो हिमालयन के रहने वाले लोग हैं उनकी कहानी है। तो अगर आप ये देखें मुख्तलिफ तरफ के लिखा हुआ, वहाँ आप लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों की तरफ देखें, विच एनिमल वुड यू नेवर लाइक टू कीप एज ए पेट, इनमें से कौन सा जानवर है, रैबिट है, डॉग्स हैं, किटन्स हैं, बिल्लियाँ हैं, रैट्स हैं, चूहे हैं, इनमें से कौन सा जानवर आप चाहते हैं कि उनको आप एज ए पालतू जानवर नहीं रखेंगे, वाई, क्यों नहीं रखेंगे, और उनकी दो वजह भी बताएंगे। लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ अ सिटी वेयर रैट्स वर फाउंड एवरीवेयर, ठीक। और उसके अलावा आप स्टोरी, उस स्टोरी के बारे में बात करें जो स्टोरी यानी कि कह लें कि जहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। तो कहता है लेट्स रीड, हम करते हैं इसके बारे में। कहता है लॉन्ग अगो इन अ स्मॉल टाउन ऑफ हैमिलिन इन जर्मनी, जर्मनी के एक छोटे से टाउन की इलाके की बात है, काफ़ी वक्त पहले की। द रैट्स वर सो बिग एंड मैनी डैट दे यूज टू फाइट विद द डॉग्स एंड किल द कैट्स। कहते हैं काफ़ी अरसा पहले की बात है कि हिमालयन एक टाउन है जर्मनी के अंदर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइज़ के चूहे पाए जाते थे। इवन वो तो कुत्तों के साथ लड़ते भी थे और बिल्लियों को तो कहते हैं मार दिया करते थे, इतने बड़े थे। तो कहते हैं कि दे इवन बिट बेबीज इन देयर क्रैडल्स, और जो बच्चे पंगूरों के अंदर लेटे होते थे उनको काटते भी थे। तो कहता है कि पेरेंट्स रैन टू दियर चिल्ड्रन इफ दे सॉ अ रैट नियर देम, अगर वालदैन उन चूहों को अपने बच्चों के करीब जाते देखते तो उनको उनकी तरफ बच्चों की तरफ भागते थे। कहता है लाइफ बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल, उस इलाके में आप समझ लें कि जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। सो द पीपल मार्च टू द टाउन हॉल टू कंप्लेन टू द मेयर, लोग वहाँ पर मेयर से शिकायत करने के लिए ना हॉल की, टाउन हॉल की तरफ जाते हैं। द नेक्स्ट डे द मेयर हेल्ड अ मीटिंग, नेक्स्ट डे मेयर जो है, मेयर मतलब गवर्नर हो गया इलाके का जो है, तो जिस तरह हम अपने महल्ले में कह लें कि ज़िले नाजम से रबता, अपने इलाके के नाजिम से रबता करते हैं, जनाब ये अगर कोई परेशानी हो, ठीक है, कौंसलर कह लें, जैसे भी, ठीक है। कहते हैं मीटिंग होती है, अ टॉल मैन इन अ कोट एंड हैट आल्सो केम फॉर द मीटिंग। कहता है वो एक लंबा सा आदमी था, कोट पहना हुआ था, हैट पहना हुआ था, मीटिंग की तरफ आया। हिज क्योर लॉन्ग कोट फॉर हील टू हेड वाज हाफ ऑफ येलो एंड हाफ ऑफ रेड, उसका जो लंबा सा कोट था ना वो कुछ उसका कुछ हिस्सा येलो यानी कि पीला और सुरख था। कहता है ही वेंट अप टू द मेयर एंड सेड, वो मेयर की तरफ गया, यानी उन बशिंदों में से एक बशिंदा मेयर की तरफ गया और उठ के कहता है इफ़ यू पे मी 1000 pieces ऑफ गोल्ड आई कैन गेट योर टाउन रिड ऑफ ऑल द रैट्स। मेयर्स को, गवर्नर साहब को कहता है कि अगर आप मुझे 1000 सोने के pieces दोगे ना, सिक्के समझ लें आप, तो मैं आपके इलाके को, टाउन को चूहों से आज़ादी दिलवा दूंगा, खलासी दिलवा दूंगा। द मेयर लुक्ड एट द क्योर मैन इन हिज स्टूपिड स्ट्रिप्ड आउटफिट, मेयर उस बंदे को ना, उस बंदे को देख कर ना, उसकी आउटफिट देख के थोड़ा सा क्योर होता है कि मजाक उड़ाया, या क्योरी मैन यानी कि उसके उसको देखा, क्योर मैन यानी कि मजाहिया बंदे को देखा। वी शैल गिव यू मच मोर देन डैट प्रोमिस द मेयर, मेयर ने कहा कि हम आपको ज़्यादा देंगे, आपसे वादा है। द टॉल मैन लुक्ड, द टॉल मैन टुक हिज पाइप एंड स्टेपिंग इन टू द स्ट्रीट, टॉल मैन ने पाइप उठाया, उसने स्टेपिंग और कदम बढ़ाना शुरू कर दिए गलियों की तरफ। बिगेन टू प्ले अ ट्यून आउट ऑफ हाउसेज द रैट, उसने जैसे ट्यूने बजाने शुरू कर दी ना तो घरों से चूहे बिल बिला के बाहर निकलने शुरू गए। रैट ऑफ एवरी साइज कलर अपीयर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द टाउन,
यानी कि मुख्तलिफ तरह के रंगों वाले चूहे जो थे ना, बड़े साइज के, छोटे साइज के, वो घरों से बाहर निकलना शुरू था। पाइपर वेंट टुवर्ड्स द रिवर, पाइपर जो है ना रिवर की तरफ जाते हुए जाता गया। दे फॉलोड द पाइपर टू द रिवर, चूहे आप फॉलो कर रहे थे किसको, पाइपर को। ऑल द रैट डाइव्ड इन टू द वाटर एंड वर्ल्ड ड्राउन, सारे ही चूहे पानी की तरफ गए, रिवर की तरफ गए और उन्होंने डुबकी लगाई और वो सारे डूब गए। ओनली वन मैनेज टू स्विम अक्रॉस द अदर साइड, उनमें से सिर्फ एक ने मैनेज किया, स्विम किया और वो आउट अदर साइड दूसरी तरफ जानिब चला गया। द पीपल वर सो ग्लैड टू बी रिड ऑफ द रैट्स दे दैट दे मेड मेरी द होल नाइट लॉन्ग, इस चीज़ ने लोगों को बहुत खुश किया और वो खुशी के मारे सारी रात खुशी के मारे कह रहे कि खुश रहे। देयर वॉज अ ग्रैंड पार्टी विच मच सिंगिंग एंड डांसिंग, एक बड़ी अजीम किस्म की पार्टी हुई जहाँ पे उन्होंने डांसिंग और गाने गाना शुरू किए। द नेक्स्ट डे सून आफ्टर डाउन, सुबह के अगले दिन जैसे ही सूरज तुलू हो रहा था, द पाइड पाइपर वेंट टू द टाउन हॉल टू कलेक्ट हिज रिवार्ड, पाइड पाइपर अपना इनाम हासिल करने के लिए टाउन हॉल की तरफ जाता है। बट द मेयर रिफ्यूज टू ऑनर हिज बार्गेन एंड सेड ही कुड ओनली पे 100 पीस ऑफ गोल्ड। तो जैसे आपको पता है कि मेयर ने, उसने 1000 गोल्ड के सिक्के मांगे थे, लेकिन मेयर ने कहा था 1000 की तो कोई बात नहीं, मैं आपको इससे ज़्यादा सिक्के दूंगा। लेकिन जैसे ही आप उससे पैसे मांगने की, सिक्के मांगने की बात करता तो वो कहता है मैं सिर्फ 100 पीसीज ऑफ गोल्ड दूंगा। द एंग्री पाइपर शाउटेड, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता, यानी एक बंदा आपसे 1000 रुपये की बात करे, 100 रुपये दे तो आपको तो गुस्सा आएगा ना इस बात पे। कहता है यू विल क्रॉल ऑन योर नीज इफ यू डू नॉट कीप योर प्रोमिस, कहता है कि आप अगर अपना, यानी कि इसका मकसद तो कुछ बनता है लेकिन आपको मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ, कहता है कि अगर आप अपना वादा पूरा नहीं कर सकते तो क्यों आप क्यों ऐसा वादा करते हो जो आप वादा पूरा नहीं कर सकते। अगर इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन करेंगे ना तो वो एग्जैक्टली उसका जो मीनिंग बनेगा वो ये बनेगा, तुम्हें अपनी नीज के तुम्हें घुटनों के बल चलना पड़ेगा, अगर तुमने अपना प्रोमिस बरकरार नहीं रखा तो तुम घुटनों के बल चल के दिखाओ। सेइंग दिस ही पुट हिज पाइप वंस मोर टू हिज लिप्स एंड स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, उसने ये स्टेटमेंट बोली पाइपर ने शाउटेड के साथ और चला गया और पाइप बजाना, इसने लिप्स के साथ पाइप बजाना शुरू कर दिया और उसके साथ कह लें कि गलियों के अंदर। द वंडरफुल ट्यून ही प्लेड ड्रू द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम्स, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की ट्यून थी कि सारे बच्चे अपने घर से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए, जैसे ये देख लें मुख्तलिफ तरह के बच्चे घर से पाइपर के साथ हैं। कहता दैट वंडर, सॉरी ये हो गया, द हैप्पी चिल्ड्रन फॉलोड द पाइपर ऑन टू द माउंटेन साइड, सारे बच्चों ने पाइपर को फॉलो किया, माउंटेन साइड पर चले गए। सडनली द साइड ऑफ द माउंट ओपन अप एंड इन वॉक द पाइपर एंड ऑल द चिल्ड्रन, और लोग ये सारे सडनली ऐसा साइड द माउंट ओपन, जैसे ही वो थोड़ी सी चट्टान खुली और सारे वॉक करके उधर चलना शुरू हो गए चिल्ड्रन पाइपर के साथ। ओनली वन स्मॉल बॉय वॉज लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ एक छोटा बच्चा पीछे रह गया। ऑल द पेरेंट्स रश टू द डिसऑनेस्ट मेयर, सारे डिसऑनेस्ट मेयर के पास गए, दे शाउटेड यू ग्रीडी मैन गिव अस बैक आवर चिल्ड्रन, यानी अब ये मामला सारा ये हुआ है कि बच्चे पाइपर की ट्यून सुनते सुनते आगे गए, पहाड़ी खुली है, सारे ही पाइपर के साथ ही बच्चे चले गए, एक बच्चा बच गया। अब वो उनको पता चल गया कि इसने उनको पैसे नहीं दिए ग्रीडी मैन यानी कि मेयर ने, तो लिहाजा वो अब वालदैन अब शाउटेड शोर मचा रहे हैं कि हमारे बच्चों को वापस लाओ। द मेयर सेंड हिज सर्वेंट इन एवरी डायरेक्शन, मेयर ने अपने मुलाजमों को हर डायरेक्शन में भेजा, लेकिन ऑफरिंग टू पे द पाइपर एज मच गोल्ड एज ही वांटेड, उसने कहा कि अपने सर्वेंट्स मुलाजिम उसके पास भेजे कि इतने गोल्ड उसको दो जब तक वो राजी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड दो। बट टू लेट, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया। द चिल्ड्रन एंड द पाइपर वर नेवर सीन अगेन, पाइपर और बच्चे दोबारा कभी नहीं देखे गए। दे हैड डिसअपीयर इनसाइड अ हिल, वो किसी पहाड़ी चोटी के अंदर कह लेके चले गए। मैनी ईयर्स लेटर द बॉय ऑन द क्रचिज हु वॉज लेफ्ट बिहाइंड वुड टेल हिज स्टोरी सेइंग, कहता है कि कुछ काफ़ी सालों के बाद जो बच्चा पहाड़ी से बाहर रह गया था ना वो वहाँ तक पहुँचा है, उसने आके स्टोरी सुनाई है। वो स्टोरी क्या सुनाता है, कहता है द म्यूजिक स्टॉप्ड, जैसे ही म्यूजिक रुका है ना, एंड आई स्टूड स्टिल, मैं स्टिल हो गया हूँ यानी कि सही, एंड फाउंड माई सेल्फ आउटसाइड द हिल, आउटसाइड द हिल, मैं हिल से बाहर अपने आप को देता हूँ। द पीपल ऑफ हैमलिन हैड लर्नड अ लेसन,
वन मस्ट ऑलवेज कीप वन वर्ड्स प्रोमिस मेड मस्ट बी कैप्ट। कहते हैं उस वक्त लोगों ने अमेलियन जर्मनी के लोगों ने ये बात सीखी है, सबक सीखा है कि जो भी आप बात करती हो या जो भी वादा करती हो तो उसको पूरा करो, अगर वादा पूरा नहीं करोगे डिसऑनेस्टी करोगे तो उसका नुकसान यही होगा जैसे वो उस इलाके के लोगों ने अपने बच्चों का नुकसान किया। तो इसलिए यह है कि कोई भी काम करो तो उसको आप ईमानदारी से करो, अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो उसकी आप जो है ना तो ऐसा प्रॉमिस वादा ना करो जो आप पूरा नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज आप पढ़ते हैं जी, यूनिट नंबर 12 की टेक्स्ट बुक से हम पढ़ते हैं द पाइड पाइपर ऑफ हैमिलियन, ठीक है। एक्सरसाइजेस उसकी मशकें हैं, उसमें कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। व्हाई डिड द पीपल ऑफ हैमिलियन कंप्लेन टू द मेयर, मेयर को हैमिलियन के लोग रहने वालों ने कंप्लेंट क्यों की थी? बिकॉज दे कंप्लेन अबाउट द बिग रैट्स, उस इलाके में बहुत मोटे मोटे चूहे थे, जैसे आपने पढ़ा था कि वो कुत्तों से तो लड़ते थे और बिल्लियों को मार दिया करते थे, इतने बड़े बड़े चूहे थे। व्हाई डिड द पाइड पाइपर लुक क्वीन, क्वीन क्वियर, ये वर्ड दरअसल क्वीन नहीं है क्वियर है, एन की जगह ना आर कर दें आप क्वियर, वो यानी कि मजाहिया क्यों लग रहा था, यानी कि उसका हंसता हालत थी ना तो उसकी वजह से हंसने पर मजबूर थे लोग उसकी ड्रेसिंग देखे, क्योंकि उसने दो कलर की जो रंग पहना हुआ था ना तो आउटस्टिप थी, तो इस वजह से, तो इसको क्वीन नहीं क्वियर कर लें, आर लगा लें इसके साथ। कहता है ही लुक्ड क्वियर, हंसता हाल इसलिए बिकॉज ऑफ हिज स्टिप्ड आउटफिट, जो उसने लिबास पहना हुआ था उसकी वजह से वो जो है ना लोग उस पर हंसते रहे थे कि इस तरह का उसने लिबास पहना हुआ था। व्हाट इज द पाइड पाइपर एंड द मेयर एग्री अपॉन, पाइड पाइपर के साथ मेयर ने क्या वादा किया था? दे एग्रीड, वो एग्री हुए थे कि अनलिमिटेड पीसेज ऑफ गोल्ड दिए जाएंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिकदार में गोल्ड दिए जाएंगे अगर तुम चूहों से छुटकारा हमें दिलाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब वो पूछ रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन द पाइड पाइपर बिगेन टू प्ले द फ्लूट, जब उसने फ्लूट बजाया तो क्या हुआ? कहता है रैट अपीयर फ्रॉम ऑल ओवर द टाउन एंड फॉलोड द पाइपर, तमाम इलाके में से चूहे निकलना शुरू हो गए और उन्होंने फॉलो किया पाइपर को। व्हाई डिड द पाइड पाइपर टेक अवे द चिल्ड्रन, बच्चों को क्यों ले गया पाइड पाइपर? कहता है बिकॉज द मेयर डिड नॉट फुलफिट हिज डील, क्योंकि उसने मेयर ने अपनी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डील की थी वो फुलफिल नहीं की थी, फुलफिट नहीं है फुलफिल नहीं की, एफ यू एल एफ आई एल, ठीक है। कहता है अब ब्लैंक से कुछ कहता है, हेयर आर सम वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज मेड देयर नो फेयर वन, मेड देयर नो फेयर वन फेयर वन, ठीक है। तो इस तरह कहता है कि ये आप जो आप समझते हैं कि इनको बनाएं, जैसे मेड एम ए डी, यानी ये कुछ वर्ड है उनका साउंड एक जैसा है लेकिन मतलब अलग है, तो इसलिए कहता है कि आप इसको इस तरीके से तरतीब दें कि ये कौन सा वर्ड कहाँ पर लगेगा। कहते हैं अ थीफ स्टोल ऑल डैश बुक्स लास्ट नाइट, ऑल दियर, तमाम किताबें वहाँ से ले गया लास्ट नाइट, लेट अस इट डैश ऑन द बेंच, देयर ऑन द बेंच, शी इज आवर मिल्क मेड मेड, एम ए आई डी वाली मेड है, ठीक है ना। तो इसी तरह तो ये जो वर्ड ना आप देखें मेड देयर नो फेयर वन, मेड देयर नो फेयर वन, ये वर्ड्स इसके अंदर लगने हैं तो इनका इस्तेमाल करना, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे जो वर्ड लगेगा वो लगाना, यहाँ पे TH TH EIR वाला देयर लगा, यहाँ पे THERE वाला लगा, यहाँ पे मेड जो है MAD मुलाजमा वाला मेड है और MADADE मेड बनाने वाला मेड है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर मिल्क से बनता है, ये हमारी मिल्क मेड है मुलाजमा है, ठीक है, दूध वाली मुलाजमा है। कहता है वी आर गोइंग टू विलेज फेयर, कहता है हम विलेज के मेले पे जा रहे हैं, बस फेयर, बस का ये फेयर मेले वाला, ये फेयर खर्चे वाला, यानी फेयर किराया। कहता है बस फेयर हैज़ बीन रेज रिसेंटली, यानी कि बसों का किराया बढ़ गया है। गॉड इज वन वन लैंडर पास हैज वन अ ब्रोंज मेडल इन ओलंपिक 90, लैंडर पेस एक ओलंपियन था जिसने वन जीता था, वन का मतलब एक और वन का मतलब जीता था, ब्रोंज मेडल इन 96 के ओलंपिक्स के अंदर ओलंपियन लैंडर पेस ने ब्रोंज मेडल जीता था। आगे वो कहती हैं डू यू नो द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट, क्या आप सदर का नाम जानते हो? नो एन के एन डब्ल्यू वाला नो, नो का मतलब है नो पेन नो गेन,
तकलीफ नहीं होगी तो अचीव नहीं कुछ कर सकोगे। व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर वन देन द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर, अ प्लुरल मैनी नाउन टेक अ प्लुरल वर्ब। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इज आर आर, इज का इस्तेमाल करें या आर का इस्तेमाल करें। सिंगुलर के साथ इज का इस्तेमाल होगा, प्लुरल के साथ आर का इस्तेमाल होगा। कहते हैं द वॉल, वॉल सिंगल है तो वॉल इज कवर्ड विद अ मैप। द बॉय वेयरिंग ब्लैक शूज इज माई फ्रेंड, जिस लड़के ने ब्लैक शूज पहने हुए हैं वो मेरा दोस्त है, इज माई फ्रेंड। डैट लिटिल गर्ल इज माई सिस्टर। दियर, दियर ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। दियर आर थ्री कप्स ऑन द टेबल। ऑल द चिल्ड्रन आर लाफिंग लाउडली। हु आर यू, माई फादर डैश अ डॉक्टर इज अ डॉक्टर। द ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूर ज्यादा मिकदार में तो आर सोर। फिल इन द ब्लैंक विद आ आर एन, आर्टिकल आ का या एन का इस्तेमाल करें। वी सॉ एन आईलैंड, जितने भी ज़्यादातर वो बताते हैं कि जितने भी वर्ड होते हैं जो मसलन कह लें उनके साथ मसलन कहते हैं आ एन द का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इन वर्ड के साथ जितने भी ये जो वर्ड होते हैं, जैसे वर्ड हो गया जिसके स्टार्ट में ए ई आई ओ यू से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं ना, उनके साथ मोस्टली जो है ना वर्ड, वो मोस्टली वर्ड एन का वर्ड यूज़ होता है। तो देखें इसमें आईलैंड है तो आईलैंड के साथ एन आईलैंड लगेगा, आई वाला इस्तेमाल हुआ तो आईलैंड लगता है। तो इसी तरह डैश इंसेक्ट, इंसेक्ट आई से शुरू हुआ है तो एन इंसेक्ट वाज फाउंड इन आ, इन आ। ग्लास है तो ग्लास जी है तो इसलिए इसके साथ आ लगेगा, अ ग्लास ऑफ जूस। आई एट ई है तो एग, एन एग विद अ स्लाइस, एस है स्लाइस तो आ लगेगा, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ब्रेकफास्ट। कहता है कि ये जितने भी हैं यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद आ आर एन, आ और एन का इस्तेमाल होगा। कहता है वी आर, वी सॉ एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ लेक। आ सॉरी, एन इंसेक्ट वाज फाउंड इन अ ग्लास ऑफ जूस। आई एट एन एग विद अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ब्रेड ब्रेकफास्ट। वी हैव अ पेट डॉग हुम वी कॉल ड्यूक। आई एम एन आर्टिस्ट, आई मेक पोर्ट्रेट्स। तो ये इनकी ये बात हुई है, आ और एन का इस्तेमाल हमने किया। तो आगे हम देखते हैं मज़ीद एक्सरसाइज में, कॉलम मैचिंग है तो कॉलम मैचिंग है, वर्ब वर्ब इन कॉलम मैचिंग, आ ए और बी अपोजिट है तो इनको आपस में मैच करना। ओपन का शट हो जाएगा, ओपन का शट। रिमेंबर का फॉरगेट अपोजिट। लव का हेट है। स्लीप का अवेक है। बाय का सेल है और क्राई का सॉरी क्राई का लाफ है। तो ये अपोजिट वर्ड जो हमने बताया वो है। अभी हमारी वर्कबुक वाली आ गई, पहले हमने टेक्स्ट बुक का किया तो अब वर्कबुक आ गई पाइप पाइपर की, हेमेलियन की। तो इसमें वो ये कहते हैं द बूस्टफुल मिलर टिक, टिक के साथ करेक्ट के साथ टिक करना है, ठीक है। तो हमारी टेक्स्ट बुक कम्प्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्कबुक की करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। आज करें वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन